विश्राम में खड़े रहो, विश्राम विश्राम, थोड़ा पीछे खड़े रहो, विश्राम में हो, विश्राम में देख लो पीछे ये मूड इस तरह से, आगे आगे दिखाओ मुझे, हाँ बताओ इस तरह से आपका जाना चाहिए, हाँ इस तरह से, ये दोनों को लॉक करना है आपको। ए तुम्हारा हो गया, ये विश्राम में इस तरह से हमको खड़ा रहना है, ठीक है, हाँ विश्राम में दोनों पैर में अंतर होना चाहिए, हाँ दोनों पैर में सीधे हम लोग नहीं खड़े रहेंगे, थोड़ा राइट में पंजा जाएगा, थोड़ा यहाँ से लेफ्ट में पहुँचा जाएगा, बराबर, फिर बाद में हम लोग सावधान में आएंगे, एक सावधान 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 ही नहीं हो रहा है हमारा, सावधान में दोनों एड़ी चिपकना चाहिए हमारी, दोनों एड़ी चिपकना चाहिए, पंजे में 6 इंच का गैप रहना चाहिए, पंजे में इसमें पंजे में दोनों पंजे में 6 इंच का गैप यानी 45 डिग्री का कोण बन जाता है, वो 45 डिग्री का उसके अंदर है, अभी इसके अंदर 45 डिग्री का कोण बन गया दो पंजे के बीच में, हाँ बोलता हूँ मैं, ये अपने को ध्यान देना है कि मुझे सावधान पोजीशन में दोनों एड़ी को चिपकाना है और दोनों पंजे के इसमें 6 इंच का गैप रहना चाहिए, समझ गए, ध्यान में रखने का, हाँ ये सावधान पोजीशन हो गया, अभी विश्राम में जाएंगे हम लोग, प्रेड एक साथ विश्राम विश्राम में दोनों हाथ पीछे से इस तरह से लॉक होगा और कहाँ पे जाएगा, पीछे की तरह जाएगा और पीछे की तरह जाएगा बराबर, और दोनों पैर में गैप होगा, पंजे दोनों साइड्स में रहेंगे और वापस विश्राम से सावधान में आने के लिए हम लोग यही बाएं पैर को उठाएंगे, यहाँ पे उठाना है, यहाँ तक यहाँ पे उठा के और सावधान के पोजीशन में यहाँ पे रखना है, ये हो गया हमारा सावधान पोजीशन, यही से लेके हमको यहाँ पे ये देखो ऊपर तक आ गया, ये अब पीछे हाथ गया, पीछे से पीछे हाथ गया और यहाँ पे मैंने छोड़ दिया, ये हो गया मेरा विश्राम, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे आ जाओ सामने, थोड़ा पीछे आ जाओ, थोड़ा इधर आ जाओ आप, सावधान में रहो, सावधान में, अभी आप लोग को जवाब देना है, मैं बोल रहा हूँ, जवाब क्या दोगे, सावधान पोजीशन में हम लोग क्या क्या करेंगे, सावधान पोजीशन में हमारी एक्टिविटी क्या क्या होगी, हमारी पहली बात, ये हाथ से मैं अगर जाऊँ तो हाथ की मूठ मेरी ऐसे रहेगी, ये बंद करके यहाँ से उसको दबाना है, बराबर दबा दिया, और उसके बाद में ये हाथ जो है मूठ उसके आगे का मूठ है जो इस तरह से करना है, यानी यहाँ पे इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं, ये ऐसे है, इसको यहाँ तक लेना है पीछे की तरफ, समझ गए, और ये सिलाई के पीछे, सिलाई किधर है आपकी, पैंट की सिलाई है ना साइड में, ये अंगूठा को दबाओ, ऐसे दबा के रखो, और ये पूरा हाथ है हमारा, पूरा हाथ हमको यहाँ पे रखना है, कहाँ पे रखना है, पूरे बॉडी को चिपका के रखना है इस तरह से, समझ गया, रखा, उसके बाद में हमको सावधान पोजीशन में हमारे दोनों एड़ी, पैर के दोनों एड़ी है ना चिपका के रखो, रखा है,
हमेशा देखना हमको, जब हम लोग सावधान में रहेंगे हमारे दोनों पैर की एड़ी चिपक के रहेगी और दोनों पंजे आगे का दोनों पंजे में 6 इंच का गैप रहेगा, बराबर। पंजे ऐसे थोड़े से फैलेंगे, 45 डिग्री कोण की तरफ से फैलेंगे, सीना तान के खड़े रहेंगे और नज़र हमारे सामने रहेगी। ये हो गया हमारा सावधान पोजीशन। ये हाथ जो है हाथ में गैप नहीं रहेगा, आप लोग देखते हो हाथ में गैप है आपका, ये पूरे बॉडी, ये पूरा हाथ है पूरा बॉडी को टच होएगा ऐसे, ये ऐसे इसको नीचे लेके ऐसे है तुम्हारा गैप है, देखो चिपका के रखो ना, पूरा हैंड है ये इधर से लेके इधर तक, ये पूरे बॉडी को चिपक के रहेगा, चिपक है चिपक का है, उधर गैप है देखो आपका, ये जो ये है ना इतना पोर्शन है उसमें गैप है, तो ये गैप नहीं रहना चाहिए आपका इसमें है, और पंजे के पीछे इस तरह से रहेंगे। हाँ ये हो गया हमारा सावधान पोजीशन, बराबर। सिलाई के पीछे हमारा क्या रहेगा, हाथ रहेगा सिलाई के पीछे, ध्यान में रखो। और ये जो ये चारों उंगली हमने दबा के रखी है, हमने ये अंगूठा रखा और इसको नीचे तक मोड़ा है, यानी पीछे की तरफ जाएगा। हाँ ये हो गया सावधान पोजीशन, छाती आगे लेके सीना तान के खड़े हैं और सामने देखेंगे, ये सावधान पोजीशन हमारी होगी। एड़ी से एड़ी चिपका हुआ, पंजे में 45 डिग्री का कोण, 5-6 इंच का गैप रहेगा दोनों पंजे के बीच में, और मुंड बंद रह के सिलाई के पीछे हाथ रहेगा और पूरा ये हाथ इस बॉडी को टच होगा, समझ गए। अभी हम सावधान पोजीशन, तुम्हारा हाथ देख लो आप पूरा चेक कर लो आपका, ये जो अंगूठा बंद रहेगा, बंद रहेगा, दबा के रहेगा, बंद है ये दबा के रखा है, ये इसको दबाओ ऐसा, ये आगे के अंगूठे को ऐसे दबाओ, आगे की उंगली, हाँ ऐसे, और इसको इस तरह से है ना, ये सीधा हो गया, ये ऊपर हो गया, लेकिन हमको ऐसे नीचे रखना है यहाँ पे, ये पोजीशन। ब्रेड एक साथ विश्राम, बराबर। ये विश्राम में आ गए हम लोग। हाँ विश्राम में आने के टाइम हमारे दोनों हाथ ऐसे हम लोग रखते हैं, ऐसे रखते हैं, ऐसे रखते हैं, ऐसे रखते, लेकिन हमको नीचे की तरफ लेके जाना है, बराबर, नीचे की तरफ, इस तरह से नीचे की तरफ, ताकि हमारे हाथ में गैप रहना नहीं चाहिए। और ये विश्राम से लेके यहाँ तक ही सावधान, यहाँ विश्राम, यहाँ बस इतना ही हाथ हमारा हिलेगा, दिखेगा भी नहीं, पीछे से आके चुपके से ये सिलाई के पीछे हमारा हाथ खड़ा रहेगा ऐसा, और यहाँ से लेके यहाँ तक इतना ही, ये पोजीशन है। आप लोग देखोगे ये सावधान पोजीशन हो गई हमारी ये, और ये विश्राम के लिए बस इतना ही हाथ यहाँ से यहाँ तक लाना है, ये हो गया हमारा विश्राम, बराबर। हाथ चिपका हुआ है बराबर, और यहाँ से लेके इतना ही, यहाँ से लेके इतना ही, ये हो गया सावधान विश्राम में हमारा। ऐसा नहीं कि ऐसा करो कि ऐसा वापस लेके आओ, ऐसा नहीं, बस इधर से लेके ये इसको ही टच करके, ये बॉडी को टच करके ही यहाँ पे लाना है, समझ गए, यहाँ पे और यहाँ पे इतना। लेकिन ये अंगूठा जो है हमारा मूठ आगे का, उसको बेंड करना है नीचे की तरफ, लेना ये साइड में करना है। तो ये हो गया हमारा विश्राम, अब वापस करना है आपको विश्राम में हम लोग है, बराबर। सब लोग इतना भी पैर फैलाना नहीं है, कम से कम, लेकिन पैर हमारा इस तरह से नहीं रहेगा, सावधान, सावधान के ये अपना आगे हमारा नहीं, थोड़ा सा राइट, यहाँ से थोड़ा सा लेफ्ट, लेफ्ट का पैर थोड़ा सा लेफ्ट में, पंजे को, सिर्फ पंजे को, पंजे को साइड में करना, ठीक है। हाथ देख लो आप, हाथ में गैप नहीं रहना, नीचे तक जाना चाहिए हाथ, ये आ गया सावधान। सावधान में देख लो आपकी एड़ी चिपकी है, पंजे में गैप है 6 इंच का, और मूठ हमारी बराबर है सिलाई के पीछे, हाँ, और पूरा ये जो मूठ है ये चारों के चारों उंगलियां ऐसे चिपकनी चाहिए, जैसे चिपकने पूरा हैंड ही हमारा चिपकना चाहिए, और ये यहाँ तक, यानी ये पोजिशन। पेट एक साथ विश्राम, पैर हमारा देख लो, हमारा पैर यहाँ से, अभी मैं ये पैर को, राइट के पैर को मैं
प्रेस करूंगा और इस पैर को खड़ा करूंगा। तो ये इतना मेरा खड़ा होके मेरे को ये सावधान पोजीशन में लाना है यहाँ पे। ये हो गया मेरा सावधान, बराबर कि नहीं? इतना ध्यान देना है कि हमारा पैर ये सावधान से लेके यहाँ तक आएगा और यहाँ तक पड़ेगा, बराबर कि नहीं? यहाँ से लेके यहाँ तक आके यहाँ तक हमको देखना है कि हमारी एड़ी को एड़ी टच करना है विश्राम से लेके सावधान तक, समझ गए? ये ध्यान देना हमको। अभी हम विश्राम में है, एक साथ सावधान आ गए बराबर, हाँ एक साथ विश्राम। सिर्फ देखना है कि हमारा हाथ चिपक के ही पीछे जाना है, सिलाई के पीछे से ही चिपक के और लॉक करना है दोनों हाथ को। जैसे ऐसे हूँ तो ऐसे आके यहाँ पे ऐसे ही रखना है और नीचे की तरफ लेना है, यानी पहले से नीचे ही है तो नीचे से यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक इतना ही, ज़्यादा पैर हिलाना नहीं है हाथ को। एक साथ सब विश्राम। अभी हम लोग एक सुरक्षा रक्षक है, क्या है? सुरक्षा रक्षक है, यानी एक सिक्योरिटी गार्ड है। क्या है हम लोग? सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी का स्पेलिंग बराबर एस ई सी यू आर आई टी वाई, ये सिक्योरिटी का हमारा स्पेलिंग है। उसी में हम लोग सुरक्षा रक्षक, सुरक्षा रक्षक किस तरह से काम करता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्या करेंगे? एक सुरक्षा रक्षक का क्या काम है, क्या कर्तव्य है, ये हम लोग जानेंगे। सुरक्षा रक्षक एस, पहला अल्फाबेट है हमारा एस, दूसरा अल्फाबेट है हमारा ई, तीसरा अल्फाबेट है हमारा सी, फिर उसके बाद में यू, उसके बाद में आर, उसके बाद में आई, फिर उसके बाद में टी, उसके बाद में वाई। एस फॉर मैं एक सुरक्षा रक्षक हूँ, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी गार्ड। उसके बाद में दूसरा अल्फाबेट है हमारा ई, ई फॉर ईगल आई, यानी चील की नज़र से। जब जब हम पोस्ट पे रहेंगे हम लोग चील की नज़र से देखेंगे, वो आदमी जा रहा है, बैग लेके जा रहा है, यूनिफॉर्म में है, ये सब चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। ये चीज़ों को चील की नज़र से देखना है हमको। हमको ऐसा नहीं है कि कुछ कोई है नहीं, कोई नहीं है, लेकिन चील की नज़र से देखना है कि वो वहाँ पे गया तो वहाँ पे है क्या, वो वहीं पे गाड़ी पे बैठा है क्या, ये सब चीज देखने के लिए चील की नज़र से देखो। हमारा भक्ष्य चील की नज़र से देखने को क्यों बोलते हैं? क्योंकि चील अपने भक्ष्य को कितनी दूर से देखता है और उसके बाद में देखने के बाद उसके ऊपर अटैक करता है, उसी तरह से हमको उसके ऊपर अटैक करना है। लंबे से आप पहले देखो, कोई भी हो, हर चीज को लंबे से ही शुरुआत में देख लो कि ये आ रहा है, हमको इसको रोकना है, हमको इसको इसके लिए अलर्ट रहना है। पर अरे वो जब तक जाता नहीं है, मेरी नज़र से दूर नहीं जाता है, क्रॉस नहीं होता है, तो तब तक मुझे उनको देखना है, समझ गए? उसके बाद में हमारे पास आता है सी, सी फॉर करेजियस। अभी मैंने देख लिया अब तक हम तो लोग तो सामने या यहाँ पे हो वहाँ पे हम लोग देखते आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं देखते हैं, सबको देखते आ रहे हैं, मगर बोलने की हमारे पास हिम्मत नहीं है, क्या नहीं है?
हिम्मत नहीं है, हम लोग हिम्मत नहीं करते, यानी उसके लिए हम हमारे पास क्या होना चाहिए? सी फॉर करेजियस क्या होना चाहिए हमारे पास? करेजियस, सी फॉर करेजियस, धाड़स। हम लोग धाड़स करेंगे कैसे? सामने से वो आ रहा है तो हम उसके पास उनके आमने सामने जाएंगे, है कि नहीं? क्या यही कदम यही से वो जाएंगे? एक्सक्यूज मी, वो सुनेगा नहीं, लेकिन थोड़ा कदम मेरे को अगर तिल की नजर से मैंने देखा तो वहाँ से जा रहा है तो मैं थोड़ा आगे चलूँगा कि नहीं? मेरी नजर से दूर है तो इसका मतलब मैं लंबा रहूँगा और मैं उसको आवाज़ दूंगा क्या? करेजियस का मतलब धाड़स करना। यहाँ से मैं आवाज़ दूंगा तो सामने वाले को नज़र नहीं आएगी, मुझे आमने सामने उनके आमने सामने जाना है। यूनिफॉर्म हम लोग क्या करेंगे, उनके सामने जाएंगे ना, करेजियस करना है। उसको अगर सुनाई नहीं देगा तो निकल जाएगा, फिर बाद में बोलेंगे अभी मैं कितना आगे पहुँचूँ, मैं कितना उसके आगे पहुँचूँ, कितना आगे मैं जाऊँ। ठीक है, वो अभी तो चला गया, जाने दो, अभी क्या करेंगे? तो ये नहीं होना चाहिए। करेजियस का मतलब, सी फॉर करेजियस का मतलब धाड़स करना। अगर मुझे कुछ दिखाई देता है, चील की नज़र से मैंने देखा, उसके बाद में अगर मैं कुछ नहीं करता हूँ तो मेरे देखने का फायदा क्या हुआ? तो धाड़स करना, सी फॉर करेजियस। क्या बोलते हैं सुई? सी फॉर करेजियस का मतलब धाड़स करना। मुझे क्या करना होगा? धाड़स करना होगा, उसके सामने जाके उसको रोकना होगा। अभी कोई ऐसा है कि वो मैनेजर दिख रहा है आपको, कोई मालिक दिख रहा है, ऑफिस है यहाँ पे, तो मालिक दिख रहा है, तो उनके सामने जाओगे तो पहले क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग सर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हम लोग उसको टोक रहे हैं, माफ़ी चाहता हूँ मैं आपको रोक रहा हूँ सर। कहीं पे जाके हम लोग बोलते क्या? माफ़ी चाहता हूँ मैं आपको रोक रहा हूँ सर, आपको कहाँ जाना है सर? अभी मॉल तो बंद हो चुका है, बराबर है, यहाँ पे आने जाना बंद है। तो ये सवाल हम लोग उनको कर सकते हैं। तो करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? करेजियस, धाड़स होना चाहिए, हम लोग को करना चाहिए। नहीं करेंगे तो हम लोग सिक्योरिटी सुरक्षा रखने का क्या? वो आदमी कल जाके कुछ कर लेगा, कल जाके कुछ गलत कर लेगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? हम ही रहेंगे ना जिम्मेदार, सुरक्षा रक्षक ही जिम्मेदार होता है। अगर उसी वक्त अगर हम लोग उसको रोकते नहीं है, उसको सवाल नहीं करते हैं, तो आगे जाके वो गलती कर सकता है। पुलिस की कार्रवाई कब होती है? जब गुनाह होता है। गुनाह होने के बाद पुलिस की कार्रवाई होती है, लेकिन गुनाह होने से पहले किसकी कार्रवाई होनी चाहिए? एक सुरक्षा रक्षक की कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हमको गुनाह करने के बाद हमारे पास अथॉरिटी नहीं है, गुनाह करने के बाद उसको पुलिस के हवाले ही हमको करना है। लेकिन सुरक्षा रक्षक इसी के लिए रखा जाता है कि ताकि वो कोई गुनाह ना हो। अभी कोई गुनहगार गुनाह करने के लिए कब आता है? उसका उद्देश्य रहता है चोरी करना, उसका उद्देश्य रहता है गलत काम करना। लेकिन गलत काम को रोकने के लिए, हमारी इस जगह की हिफाजत करने के लिए हमको एक सुरक्षा रक्षक की ज़रूरत है। इस मॉल को, इस कंपनी को एक सुरक्षा रक्षक की ज़रूरत है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करेंगे? उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? एक सुरक्षा रक्षक का काम करेंगे। गुने को रोकने के लिए एक सुरक्षा रक्षक की ज़रूरत होती है। तो हमारे पास करेजियस है तो हम लोग उसको रोकेंगे, बराबर कि नहीं? हमारे पास धाड़स है तो हम लोग रोकेंगे। तो हम लोग रोकेंगे तो क्या रोका मैंने? एक गुनाह होते हुए मैंने रोका, तो उसके वजह से क्या हुआ? गुनाह भी नहीं हुआ, मेरी गुनाह भी नहीं हुआ, और वो जो गलत काम करने वाला जेल भी नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि वो गलत काम हुआ ही नहीं। क्योंकि हम क्या करते हैं, गुनहगार को गुनाह करते करने से हम लोग क्या करते हैं? रोकते हैं। गुनहगार को गुनाह करने से रोकने के मतलब क्या है? हमने किसी को गलत काम करते
से हमने रोका तो उसका